हेलो दोस्तों, पिछले दो दिन से एक ही न्यूज सारे इंटरनेशनल न्यूज चैनल के सुर्खियों पर है और वो है लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ भयानक धमाका। 70 लाख आबादी वाली वेस्टर्न एशिया की एक कंट्री है ये लेबनान। टोटल पॉपुलेशन में लगभग 57% मुस्लिम और 40% क्रिश्चियन समुदाय का है। धमाका जिस पोर्ट में हुआ वो लेबनान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था। पूरे देश के 80% अनाज इसी बंदर के द्वारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते थे। आप सभी के दिमाग पर एक ही सवाल है, ये धमाका क्यों हुआ और कैसे हुआ? पूरी घटनाओं का जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। लेबनान के कुछ जनता का मानना है कि गवर्नमेंट की लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ, जिसकी वजह से लगभग 137 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 5000 लोग जख्मी हुए। इसका शुरुआत हुआ सितंबर 2013 में, जब द रूसास नाम के रूसिया का एक जहाज जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रही थी। इस जहाज को साइप्रस में रहने वाले एक रूस बिजनेसमैन इगर ग्रेचुस्किन ने लीज लिए थे। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से जहाज को इस पोर्ट पर हल्ट करवाना पड़ा। 2013 में रूसास जहाज के कैप्टन थे बोरिस प्रोकोसेव। एमोनियम नाइट्रेट को इस जहाज से ले जाने के लिए कैप्टन प्रोकोसेव को $1 मिलियन मिला था। प्रोकोसेव एक इंटरव्यू के दौरान बताया, मालिक एक्स्ट्रा सामान ले जाने के लिए लेबनान के निर्धारित एक पोर्ट पर जहाज को ले जाने के लिए बोला था। उसके बाद बेरूत पोर्ट पर जहाज के एग्जामिन हुआ और पता चला इसमें 2758 टन एमोनियम नाइट्रेट है। एमोनियम नाइट्रेट एक क्रिस्टल जैसे सफेद ठोस पदार्थ होता है। इसे आमतौर पर फर्टिलाइज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर इसके साथ एल्यूमिनियम पाउडर और फ्यूल ऑयल को मिक्स किया जाए तो यह भयानक विस्फोटक में बदल जाता है। जब ये नाइट्रेट मिला तो लेबनान पोर्ट अथॉरिटी ने जहाज को रुकने की अनुमति नहीं दी। पोर्ट अधिकारियों के साथ कैप्टन की बातचीत लंबे समय तक जारी रही। लंबे समय तक पारिश्रमिक ना मिलने की वजह से क्रू मेंबर ने काम छोड़ के चले गए, साथ में ये एमोनियम नाइट्रेट से भरा हुआ जहाज को भी छोड़ गए। केवल कैप्टन और 3 क्रू मेंबर ने कम भोजन के साथ 11 महीने बिताए, जबकि कानूनी विवाद चल रहे थे। लेबनान की वकील बरूदी के अनुसार इंटरनेशनल विस्फोटक निर्माण कंपनी फारब्रिक डे एक्सप्लोसियस डी मोजाम्बिक के लिए इंटरनेशनल बैंक ऑफ मोजाम्बिक ये एमोनियम नाइट्रेट खरीदे थे। तब से पोर्ट के स्टोरेज हाउस में बड़ी मात्रा में एमोनियम नाइट्रेट मौजूद थे। लेबनान के वकील सेलिम आउन के सोशल मीडिया पर प्रकाशित रिकॉर्ड के अनुसार हाई कस्टम अथॉरिटी ने लेबनान कोर्ट में 2014 से 2017 तक कम से कम 6 बार चिट्ठी लिखकर एमोनियम नाइट्रेट को कैसे सेटलमेंट किया जाए उसके बारे में गाइडेंस के लिए कहा था। अभी लेबनान के कुछ लोग इसराइल पर उंगली उठा रहा है, क्योंकि दोनों देश के बीच संबंध बहुत खराब है। इसके अलावा लेबनान आतंकवादी ग्रुप हिजबुल को एक इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन माना जाता है। ऐसे सवाल उठता है कि इस हिजबुल ग्रुप का प्रभाव कम करने के लिए इसराइल ऐसा कर सकता है, लेकिन इसराइल ने कहा उसका इस तरह की काम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि 10 किमी दूर तक मकान को नुकसान पहुंचाया। 9 किमी दूर बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल की शीशे टूट गए। कुछ रिपोर्ट के अनुसार विस्फोट की आवाज लगभग 240 किमी दूर साइप्रस से सुना गया था। कई लोगों का अनुमान है कि विस्फोट की तीव्रता हिरोशिमा परमाणु विस्फोट का 20% थे। ओके दोस्तों, आज बस इतना ही। और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानना है तो हमारा फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन आउटलेट को फॉलो कीजिए।